बीए फाइनल समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम थर्ड ईयर के सेकंड पेपर ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत आज ग्रामीण और नगरीय प्रवास से संबंधित विषय पर अपना अध्ययन करेंगे। किसी भी समाज की खुशहाली और प्रगति का संबंध उस समाज में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या से होता है। जनसंख्या की वृद्धि, स्थिरता और कमी का सीधा संबंध समाज की जन्मदर, मृत्युदर और प्रवासन या देशांतर से होता है। जब जन्मदर मृत्युदर से अधिक होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके विपरीत स्थिति में अर्थात जब मृत्युदर जन्मदर से अधिक होती है तब जनसंख्या में कमी आती है। जब जन्मदर और मृत्युदर बराबर होती हैं तब जनसंख्या स्थिर स्थिति में होती है अर्थात न बढ़ती है और न ही घटती है। इसी प्रकार से देशांतर या प्रवासन की प्रक्रिया का भी सीधा संबंध जनसंख्या की वृद्धि, स्थिरता और कमी से होता है। देशांतर के दो प्रकार होते हैं, अप्रवासन और उत्प्रवासन। भारत में ग्रामीण जनसंख्या के नगर या अन्य स्थानों की ओर उत्प्रवासन हो रहा है जिसके अनेक प्रभाव गांवों, कस्बों, नगरों एवं महानगरों पर पड़ रहे हैं। इन प्रभावों का सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना अत्यावश्यक है। इस अध्ययन में ग्रामीण उत्प्रवासन के विभिन्न पक्षों का विवेचन करेंगे। सर्वप्रथम देशांतर, अप्रवासन और उत्प्रवासन के अर्थों पर प्रकाश डाला जाएगा। देशांतर, यह एक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति या जनसंख्या राजनीतिक सीमा का स्थायी रूप से पलायन करके नवीन आवासीय क्षेत्र या समुदाय में चली जाती है। इसके दो प्रकार होते हैं, अप्रवासन और उत्प्रवासन। पहला है अप्रवासन अर्थात इमिग्रेशन। अप्रवासन वह प्रक्रिया है जिसमें अन्य स्थान से या बाहर से लोग या समूह आकर बस जाते हैं, जैसे गांवों से लोग या जनसंख्या आकर नगरों में स्थायी रूप से बस जाती है। नगर के दृष्टिकोण से यह अप्रवासन की प्रक्रिया कहलाएगी। इस प्रक्रिया से जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके विपरीत प्रक्रिया उत्प्रवासन कहलाती है। अर्थात उत्प्रवासन की प्रक्रिया में व्यक्ति या समूह अपना मूल स्थान, देश, नगर, गांव या मकान छोड़कर दूसरे स्थान, देश, नगर या गांव में जाकर स्थायी रूप से चले जाते हैं और वहां पर बस जाते हैं। इससे उस स्थान की जनसंख्या घट जाती है जहां से लोगों ने उत्प्रवासन किया है, तथा वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है जहां पर जाकर वो बसे हैं। अप्रवासन और उत्प्रवासन के जनसंख्या पर प्रभाव। अप्रवासन और उत्प्रवासन की प्रक्रियाओं का प्रभाव जनसंख्या की वृद्धि, स्थिरता और कमी पर निम्न अनुसार पड़ सकता है। जब अप्रवासन अधिक होता है और उत्प्रवासन कम अथवा नहीं के बराबर होता है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे नगर में अप्रवासन के कारण लोग बाहर या गांवों से आकर स्थायी रूप से नगर में बस जाते हैं और वहां से लोग गांवों में नहीं जाते। जब उत्प्रवासन अधिक होता है अर्थात लोगों का पलायन अधिक होता है और आगमन कम होता है तो जनसंख्या घट जाती है। जैसे गांवों से लोगों का नगरों की ओर पलायन अधिक होता है और नगर से गांवों की ओर पलायन कम होता है। इससे नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ेगा तथा गांवों की जनसंख्या का प्रतिशत घटेगा। जब बाहर से लोगों का आना अर्थात अप्रवास और उत्प्रवासन
लोगों का बाहर पलायन करना समान होता है, तब न तो जनसंख्या में वृद्धि होती है और न ही कमी। ऐसी स्थिति में देशागमन का जनसंख्या की वृद्धि और कमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन भारत में गांवों से ग्रामीणों का उत्प्रवासन हो रहा है, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट रहा है और नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे भारत में ग्रामीण उत्प्रवासन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर अधिकांश लोग गांवों में निवास करते हैं। गांवों में नगर की ओर निरंतर उत्प्रवासन या पलायन हो रहा है, जिसमें गांवों की जनसंख्या का प्रतिशत घट रहा है और शहरी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उत्प्रवासन की इस गति के कारण आवश्यक हो गया है कि भारतीय जनसंख्या के आकार, गठन एवं स्थानीय वितरण एवं उसमें जन्म, मृत्यु तथा क्षेत्रीय गतिशीलता एवं सामाजिक गतिशीलता की सांख्यिकी और गणितीय क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन आवश्यक है। ग्रामीण जनसंख्या के नगरों की ओर उत्प्रवासन से अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसका प्रभाव भारत की आर्थिक प्रगति पर पड़ रहा है। वर्तमान में बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, आवास की समस्या, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक उत्पादन, राष्ट्रीय एवं स्थानीय मार्ग निर्माण, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में योजना निर्माण में उत्प्रवासन की प्रक्रिया का उचित ज्ञान होना आवश्यक है। भारत में गांवों से नगरों की ओर उत्प्रवासन के कई कारण हैं। भारत में भी अन्य देशों की तरह से नगरीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती जा रही है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के साथ साथ नगरीकरण में तेजी आई है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव वासियों का भी योगदान है। गांवों से लोग नगरों में जाकर बस जाते हैं, गांवों से नगरों की ओर उत्प्रवासन करते रहते हैं। नगरों के आसपास बसे गांवों से प्रतिदिन भारी संख्या में ग्रामवासी आते रहते हैं। इस प्रकार से आने वाले ग्रामीणों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा सकती है। जब गांवों में अकाल, सूखा, बाढ़ आदि पड़ जाता है, तब तो भारी संख्या में ग्रामीण लोग नगरों की ओर पलायन करते हैं। गांवों से नगरों की ओर उत्प्रवासन के कई कारक हैं, जिन्हें हम इन बिंदुओं में देख सकते हैं। जैसे धक्का देने वाले कारक, अर्थात गांवों में ऐसे अनेक कारक हैं जो ग्रामवासियों को अपना निवास छोड़कर दूसरे स्थान, कस्बा, नगर या महानगर में जाने के लिए बाध्य करते हैं। गांवों में रोजगार का अभाव होता है, नगरों में व्यवसायों की बाहुल्यता होती है और इसी व्यवसाय की तलाश में और इसी दबाव में गांववासी नगरों की ओर पलायन करते हैं। आकर्षक कारक। नगरों में ऐसे अनेक कारक हैं जो ग्रामवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, संचार, परिवहन और मनोरंजन आदि की सुविधाएं। इनके अतिरिक्त जल, बिजली, सुरक्षा आदि की भी सुविधाएं गांवों में नगरों की तुलना में अधिक होती हैं और इन्हीं सुविधाओं के कारण ग्रामीण नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। ग्रामीण उत्प्रवास के से कुछ नुकसान या हानियां भी हैं। ग्रामीण जनसंख्या का निरंतर नगरों की ओर उत्प्रवासन से नगरों में अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। प्रमुख समस्याएं नगरों में गंदी बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में वृद्धि, आवास की समस्या, असीमित जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, पानी की कमी, नगरीय गरीबी,
चोरी और सामाजिक अपराधों जैसी गंभीर समस्याओं में भी वृद्धि हो रही है। इनके अतिरिक्त ग्रामीण उत्प्रवासन के कारण नगरीय पर्यावरण प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि में भी वृद्धि हुई है। ग्रामीण उत्प्रवासन को एक गंभीर चुनौती यह है कि इसके प्रभाव के कारण आज भारत में नगरीय आबादी 28.8% से अधिक है। नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 32% होने की संभावना है। इससे आने वाले वर्षों में नगरों पर जनसंख्या का भार बढ़ जाएगा और गांवों में यह 68% तक घटने का अनुमान है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में नगरों की संख्या में वृद्धि की गति कम है, लेकिन विद्यमान नगरों में ग्रामीण उत्प्रवासन के कारण जनसंख्या का भार निरंतर एवं तेज गति से बढ़ रहा है। थैंक यू।